So December 2023 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने वियतनाम विजिट किया। वियतनाम चाइना का नेबर है। मैप में देखिए, वियतनाम चाइना के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। चाइना अपने नेबर के साथ अपने टाइस को अपग्रेड करना चाहता है। शी जिनपिंग की विजिट का मेन एम ही था वियतनाम के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करना। रिलेशंस को इम्प्रूव करना, तो अभी दोनों देशों के रिलेशंस खराब है क्या? देखिए, एग्जैक्टली खराब तो नहीं कहेंगे, बट हाँ कुछ इश्यूज जरूर हैं। वियतनाम और चाइना की रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। वैसे तो दोनों पड़ोसी देशों के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज हैं। चाइना वियतनाम का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइनीज कंपनीज के वियतनाम के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन इन देशों की रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें स्मूथ नहीं हैं। पास्ट में दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुकी हैं। 1979 में दोनों देशों के बीच जंग हुई थी। इसे हम सीनो वियतनामीज वॉर के रूप में जानते हैं। उसके बाद 1980s और अर्ली 1990s में बॉर्डर क्लैशेस हुए थे। प्रेजेंट की बात करें तो दोनों देशों के बीच साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। एक और इशू है कि वियतनाम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने टाइज अपग्रेड कर रहा है। US वियतनाम और चाइना के रिलेशंस में पेन पॉइंट्स को एक्सप्लॉइट करके रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। US की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए वियतनाम एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर साबित हो सकता है। चाइना ये बात समझता है, इसलिए वियतनाम के साथ रिलेशंस इम्प्रूव करने में लग गया है। शी जिनपिंग की विजिट के दौरान दोनों देशों ने 37 अग्रीमेंट साइन किए। इनमें फार्मिंग, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की गई। दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर भी अग्रीमेंट्स हुए। इनमें जॉइंट मैरिटाइम पेट्रोल्स और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को लेकर सहमति बनी। चाइना का प्रयास है कि एग्जिस्टिंग इश्यूज को एड्रेस करके वियतनाम के US की तरफ टिल्ट को कम कर सके और रीजन में अपनी डोमिनेंस स्थापित कर सके। US रीजन में चाइना की बढ़ती असर्टिवनेस को काउंटर करने के लिए वियतनाम के साथ डिफेंस कोऑपरेशन इंक्रीज कर रहा है। वियतनाम US और चाइना के बीच जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग कर रहा है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम चाइना और वियतनाम के रिलेशंस पर फोकस करेंगे। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि चाइना लगातार साउथ चाइना सी में अपने क्लेम्स को एक्सपैंड करने की कोशिश करता रहता है। आपने चाइना की इन फेमस 9-line के बारे में तो सुना ही होगा। रिसेंटली चाइना ने एक नया मैप इशू किया था जिसमें हमें 9-line का एक्सटेंडेड वर्जन 10-line देखने को मिला था। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से साउथ चाइना सी में चाइना के बहुत से देशों के साथ डिस्प्यूट्स हैं, और डिस्प्यूट्स तो होंगे। चाइना लगभग 90% साउथ चाइना सी को क्लेम करता है। स्प्रैटली आइलैंड्स, पैरासिल आइलैंड्स, स्कारबोरो शोल, मैकल्सफील्ड बैंक जैसे आइलैंड ग्रुप्स को चाइना अपना बताता है। अब जैसे चाइना कहता है कि ये आइलैंड्स उसको बिलोंग करते हैं, वैसे ही इन आइलैंड्स पर अन्य देश भी अपनी सॉवरेनिटी क्लेम करते हैं। तो इन्हीं ओवरलैपिंग क्लेम्स के कारण रीजन में डिस्प्यूट्स होते हैं और टेंशंस बनी रहती हैं। स्प्रैटली आइलैंड्स के नज़दीक फिशिंग डिस्प्यूट हो या फिर पैरासिल आइलैंड्स के पास चाइनीज ऑयल रिग को लेकर विवाद, चाइना रीजन में अक्सर देशों को बुली करता है। अपने असर्टिव क्लेम्स के पीछे चाइना का तर्क है कि साउथ चाइना सी पर उसके हिस्टोरिकल राइट्स हैं। उसके अनुसार एंशियंट टाइम्स में इस रीजन पर उसका कंट्रोल था। लेकिन ऑफकोर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी चाइना के इन एब्सर्ड क्लेम्स को रिकग्नाइज नहीं करती है। वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई जैसे देश चाइना के यूनिलैटरल क्लेम्स को रिजेक्ट करते हैं। 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की रूलिंग आई थी। इसमें चाइना के क्लेम्स को इलीगल ठहराया गया था। हालांकि चाइना ने इस रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया था। वियतनाम की बात करें तो स्प्रैटली आइलैंड्स और पैरासिल आइलैंड्स को लेकर वियतनाम और चाइना के बीच टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को लेकर भी दोनों देशों के बीच मतभेद हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? किसी भी देश की कोस्टल बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होते हैं, तो 200 नॉटिकल माइल्स हुआ 370.4 किलोमीटर। मतलब कोस्ट से लगभग 370 किलोमीटर तक का एरिया उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इस जोन का क्या फायदा है? देखिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं जैसे कि ऑयल एंड गैस, फिश, मिनरल्स एक्सेट्रा, उन पर कोस्टल नेशन का एक्सक्लूसिव अधिकार होता है। कोस्टल नेशन अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में माइनिंग कर सकता है, एक्सप्लोरेशन कर सकता है और यहाँ पर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सकता है। साउथ चाइना सी स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं और इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स हैं।
अब हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि वियतनाम और चाइना के बीच एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को लेकर मतभेद हैं। चाइना की 10-डैश लाइन वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को वायलेट करती है। चाइना रीजन के क्रूशल शिपिंग रूट्स को कंट्रोल करना चाहता है। चूंकि इस रीजन में फिश, ऑयल एंड गैस जैसे महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, इसलिए चाइना का यहाँ पर स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। फ्रीक्वेंटली आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि चाइना ने अपने कोस्ट गार्ड, फिशिंग बोट्स और रिसर्च वेसल्स भेजकर बाकी देशों की सॉवरेनिटी वायलेट की। चाइना की असर्टिवनेस के कारण साउथ चाइना सी में सिचुएशन काफ़ी वोलाटाइल बनी रहती है। यदि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एस्केलेट हो जाते हैं तो रीजन में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। इससे शिपिंग लेन्स डिस्टर्ब्ड हो सकती हैं, जिससे इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। वियतनाम और चाइना के बीच एक और टेंशन का पॉइंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। थेफ्ट यानी चोरी। वियतनाम का कहना है कि चाइनीज कंपनीज के द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट्स किए जाते हैं। चाइना में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन सिस्टम्स बहुत वीक हैं, तो चाइना वियतनामीज कंपनीज की टेक्नोलॉजी और डिज़ाइंस कॉपी कर लेता है। चाइना की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट की बात करेंगे तो अपने आप में एक और वीडियो बन जाएगी। किसी और दिन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि चाइना के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट के कारण वियतनामीज कंपनीज का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। चाइना के द्वारा कॉपीज बनाकर सस्ते दाम पर बेचने से वियतनामीज कंपनीज का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम हो जाता है, उनका रेवेन्यू गिर जाता है और उनका मार्केट शेयर भी इरोड हो जाता है। तो दोनों देशों के बीच ये भी एक मेजर इशू है। इन्हीं सब इश्यूज को एड्रेस करने के लिए और वियतनाम के साथ अपने कोऑपरेशन को स्टेप अप करने के लिए चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने वियतनाम का दौरा किया था। दोनों देश हॉटलाइन सेटअप करेंगे ताकि साउथ चाइना सी में किसी भी टेंशन को डिफ्यूज किया जा सके। दोनों देश पास्ट की कॉन्फ्लिक्ट्स की हिस्ट्री को पीछे छोड़कर साथ मिलकर अपने डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज मजबूत करेंगे। इंटेलिजेंस एक्सचेंजेस को लेकर दोनों देशों में सहमति बनी। साथ ही अनाउंसमेंट किया गया कि चाइना वियतनाम कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसे हिस्टोरिकल माइलस्टोन बताया गया। रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो दोनों देशों ने इसमें कोऑपरेट करने के लिए अग्री किया। एस्टिमेट्स के अनुसार चाइना में विश्व के लार्जेस्ट और वियतनाम में विश्व के सेकेंड लार्जेस्ट रेयर अर्थ मिनरल डिपॉजिट्स हैं। इन क्रिटिकल मिनरल्स का रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उपयोग किया जाता है। जैसा कि हमने बात करी कि वियतनाम के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, हालांकि वियतनाम के पास इन्हें प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना वियतनाम को ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है। रेल लिंक्स एस्टैब्लिश करने की बात की गई है, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। टेलीकॉम सेक्टर और डिजिटल कोऑपरेशन इंक्रीज करने पर भी जोर दिया गया। चाइना की मंशा है कि वियतनाम के अंदर 5G नेटवर्क बिल्ड किया जाए और अंडरसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाए। हालांकि दोनों देशों के बीच हुई डील्स के डिटेल्स को रिवील नहीं किया गया है, और अब ये तो समय ही बताएगा कि ये केवल सिंबॉलिक था या फिर रियलिटी में चाइना और वियतनाम के रिलेशंस इंप्रूव होंगे।